नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या है डेरे का फैक्ट, क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच, डेरा श्रद्धालुओं से ही जानते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम? नमस्ते कृष्णा जी। कृष्णा जी, कितना टाइम होगा डेरे में आते हो? 40 साल हो गए जी। 40 साल से डेरे में आ रही है, क्या मिलता है आपको यहाँ पे? हमें यहाँ बहुत कुछ मिला जी, सीखने को लायक मिली है हमें, बच्चों को भी बहुत अच्छा भविष्य मिल रहा है हमें, और अगर हमारे महाराज ना होते तो हम पता नहीं कहाँ भटकते, क्या कुछ करते। हम भी दुनिया की तरह जैसे दुनिया भटक रही है, कुछ सारा मांस अंडा खाते हैं, जो हमारे पिताजी थे वो सब कुछ बुराइयाँ छुटवा रहे हैं, तो इसीलिए तो दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा कि वो बुराइयाँ क्यों छुटवा रहे हैं, लेकिन वो सीधा रास्ता चलाते हैं हमें, और हमें पूरा विश्वास है, कोई करो ना करो लेकिन हमें पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास है हमारे पिताजी के ऊपर, और करते ही रहेंगे हम विश्वास। वो सफाई अभियान भी चलाते थे, देखो जहाँ भूकंप आता है वहाँ वो तंबू भी लगा के देते, देखो वहाँ आया था भूकंप का, बोलते उधर क्या बोलते सब भूल रहा मुझे, लेकिन वहाँ पे देखो कितने टेंट लगाए थे, और जहाँ भी ये बाढ़ आ जाती है अपने संगत को भेजते हैं, जहाँ भूखा बनाता है वहाँ राशन भी बांटते हैं, पक्षियों के लिए अपना वो भूस भी देते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं वो पिताजी हमारे, हमें पूरा विश्वास है। और इतने सारे आरोप लगे गुरुजी पे, उसके बारे में क्या कहें? ये सब झूठा है जी, क्यों हमें 40 साल का कुछ तो, अगर हमें कुछ दिखता तो हम भी दूर हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं, हम दूर रहेंगे तो हमारा भविष्य खराब, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होएगा, क्यों हमें बहुत, अगर हम भटक जाएंगे तो दुनिया की तरह भटकें, जैसे दुनिया भटक रहे हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं भटकेंगे। ये सब झूठा आरोप है, यह सरकार का बिल्कुल झूठा आरोप है, हमें नहीं पता ये सरकार क्या करना चाहती है, क्यों लगा रही है, वो तो मालिक जाने क्यों कर रही है, लेकिन ये जो गुरु है ऐसे गुरु तो होएंगे ही नहीं, ये शास्त्र रूप हमें भगवान लगते हैं, वरना हम क्या पता कहाँ होते अब। गुरुजी की जरूरत है समाज को? हाँ जी, जरूरत है आपके गुरुजी की, हमारे समाज को इस वक्त जरूरत है। हाँ जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है समाज को, गुरुजी बगैर तो हमें ऐसा लग रहा है डेरा भी सुन, वैसे संगत उतनी आ रही है, डेरा ऐसा ही चल रहा है जिसको विश्वास है हमें, लेकिन उसमें तो पूरा ही विश्वास, हम तो ये सोचते हमारे गुरुजी आएंगे आएंगे, क्यों वो सच्चे हैं, दृढ़ विश्वास है पूरा, जो झूठे होते ना वो थोड़े दिन चलता है, जो सच्चाई होती है उसका पलड़ा भारी होता है। देखो गुरुजी थे तो कार्य होते थे, अब गुरुजी नहीं है तो कार्य बंद हो गए, उससे ज़्यादा हो रहे हैं जी, गुरुजी चले गए उससे ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, वही हो रहे हैं उससे ज़्यादा हो रहे हैं जी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये न्याय देना चाहिए, गुरुजी को ये न्याय देना चाहिए कि बिल्कुल झूठा है, सरकार को देखना चाहिए, इतना साधु महात्मा, ये देखो ना पहले नंबर देखो, जब ये चली है जो बीमारी कोरोना की, ये साधु महात्मा को अंदर करने से ही बीमारी चली है, साधु महात्मा को अंदर करा भगवान ने पूरे संसार को ही अंदर कर दिया, ये उनको फल मिला, पूरी बीमारियां चला, पहले बीमारियां भी नहीं थी, आज भी साधु महात्मा बाहर आ जाए ये बीमारियां और ये मांस बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। धन्यवाद मैम, डेरा सच्चा सौदा से कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों की राय जान रहे हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ।